वो हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। मीडिया वाले भी कुछ लोग आए जिन्होंने हमारी न्यूज को एक तरह से कवर किया, ट्विटर पे हमारा चल ही रहा है, तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। और इसलिए अभी जो डिसाइड हुआ है वो डिसाइड हुई है 29th of November मंडे। सो मंडे को हम दोबारा से हमारा प्रोटेस्ट जो है वो रहेगा और इसमें सबको बढ़ चढ़ के आना है। आज कम से कम 2000 प्लस जनता थी और जो 29th को जो होगा उसमें हमारा टारगेट जो है वो 5000 प्लस क्राउड का है। क्या बात। और हमारा जो टारगेट है सुबह 9 बजे से हम स्टार्ट करेंगे और वहां पर जितने लोग आ सकते हैं सबके सब पधारे, सबके सब लोग आए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, इनकी नहीं है, इनकी नहीं है, ये सबकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है और इसके लिए हमें खुद लड़ना होगा, हमें खुद लड़ना है। इसलिए उस दिन आप जो है बड़ी संख्या में आए और सब लोग डिप्लोमा वाले हो, चाहे जेईएन वाले हो, चाहे डिग्री वाले हो, जो भी हैं वो सब लोग आना है और हमारे बढ़ चढ़ के हमें एक तरह से हमारी जो मुद्दा है उसको एक तरह से रेस करना है। साथियों, आपको पता है कि जिस प्रकार से आज पूरा दिन रहा है और हम सब भाई आज आंदोलन में पहुंचे, पहली बार तो हम सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी आवाज उठाने के लिए आप यहाँ बड़ी संख्या में आए। अब साथियों, ऐसा है कि हम इस आंदोलन को आगे जारी रखते हुए उसी ताकत के साथ में, तो 29 तारीख के दिन हमने डिसाइड किया है, 29 तारीख के दिन आपको सारे साथियों को, आज जो संख्या थी उससे भी 4-5 गुना संख्या में आप सब भाइयों को नेहरू गार्डन का नाम आपने सुना होगा, जो टोक फाटक के पास में नेहरू गार्डन गांधीनगर क्लब, जो MLA के क्वार्टर सारों के, वहाँ आपको 9 बजे पहुँचना है गांधीनगर।